हेलो माय डियर फ्रेंड, आप देख रहे हैं स्टडी हेल्पलाइन। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो क्लास 12th के प्राइवेट स्टूडेंट यानी कि जिन स्टूडेंट ने भी ड्रॉप किया है, उनका बोर्ड के एग्ज़ाम में अगर वो इम्प्रूवमेंट दे रहे हैं या वो री दे रहे हैं या फिर वो एग्ज़ाम दोबारा अपना दे रहे हैं, तो उनको ड्रेस कोड क्या है। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स आपको सबसे पहले स्क्रीन पर ये जो दिख रहा है एडमिट कार्ड, ये रेगुलर स्टूडेंट का एडमिट कार्ड है जिस पर ड्रेस के बारे में कहीं भी कुछ भी नहीं लिखा है। इसके बाद जो आपको एडमिट कार्ड दिख रहा है ये प्राइवेट स्टूडेंट का एडमिट कार्ड है जिसमें पॉइंट नंबर 6 पे लिखा हुआ है, इफ़ यू आर अ रेगुलर कैंडिडेट यू शुड कम फॉर एग्जामिनेशन इन योर स्कूल यूनिफॉर्म ओनली, हाउएवर इफ़ यू आर प्राइवेट स्टूडेंट कैंडिडेट यू कैन वियर लाइट क्लोथ्स ओनली। तो फ्रेंड्स मैं बता दूँ, कोई भी जो भी प्राइवेट स्टूडेंट है वो कोई भी ड्रेस पहनकर जा सकता है, लेकिन शर्त ये है कि वो लाइट क्लोथ्स हो यानी जो कैजुअल ड्रेस है वो हो। अगर आप जीन्स वगैरह पहनकर जाते हैं तो वो आपको पॉइंट आउट कर सकते हैं। तो इसलिए आप कोई भी अगर आप यूनिफॉर्म पहनकर जाना चाहें तो आप वो भी पहनकर जा सकते हैं, उसमें कोई मना नहीं है, लेकिन आप कलर ड्रेस पहनकर भी जा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा इशू रहता है स्टूडेंट्स का। तो फ्रेंड्स आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ड्रेस कोड के मामले में। और फ्रेंड्स हमारी क्लास 12th और 10th के प्रीवियस पेपर हमने वीडियोस में डाले हुए हैं, आप उधर से जाकर देख सकते हैं। और आने वाले एग्ज़ाम के लिए उसके एनालाइज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आपको हमारी और फ्रेंड्स हम अपने चैनल पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो आप हमारी वीडियोज़ को देखते रहिए, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।